देखिए, आने वाले समय के अंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति के ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे, दें वो कहां से देंगे। अरे, लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के, संविधान की बुक लेकर के, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे, इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि ये खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया।